मध्य प्रदेश के रीवा शहर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें, पुलिस ने 70 लाख का गांजा घेराबंदी करते हुए पकड़ा। पुलिस का कहना है कि मुखबिर की सूचना मिली थी कि सतना की ओर से एक ट्रक और डस्टर गाड़ी में गांजा लोड होकर रीवा की ओर आ रहा है। तभी घेराबंदी करते हुए पहले डस्टर गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें 120 किलो गांजा मिला। एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। काफी समय से लगे हुए थे, तमाम कार्रवाइयां हो भी रही हैं। आप लोग देख रहे हैं गांजे की एक बड़ी खेप जो है जसों में पकड़ी गई थी, लगभग 4 क्विंटल 40 किलो गांजा। वैसे ही आईजी ऑफिस में एक नारकोटिक्स टीम है जो सभी थाना प्रभारी और सभी जिलों के एसपीओं से कोऑर्डिनेट करती है। नारकोटिक्स टीम को खबर लगी थी, उसी खबर के आधार पर एक मुखबिर जो है आया। मुखबिर ने थाना प्रभारी अमहैया को बताया कि एक ऐसा वाहन आ रहा है सतना साइड से जिसमें एक ट्रक है और एक डस्टर गाड़ी है। डस्टर गाड़ी आगे आगे चल रही है, ट्रक पीछे है, और जिसमें गांजा आ रहा है और जो गाड़ी का जो गांजे की पूरी तस्करी की टीम को लीड कर रहा है उसका नाम अनूप जायसवाल है। तो ये पूरी टीम जब सूचना मिली रात में तो उसके बाद पूरी सभी जो हमारे दक्ष थाना प्रभारी, तीन थाना प्रभारियों की एक टीम बनाई गई जिसमें थाना प्रभारी रायपुर, थाना प्रभारी बिछिया और थाना प्रभारी अमैया, ये पूरी टीम थी। और इनको अलग अलग इस सिचुएशन में जहाँ पे जिस जगह से इनको निकलते हुए गांजे को खेप लेके निकलना था वहाँ पे लगाया गया। वो जगह जो है सीधी रोड जो है उस रोड पे एक पॉइंट विशेष पे अलग अलग जगहों पे टीम लग गई और ये टीम लगी तो सबसे पहले उनको जो है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।